एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, और तू भी तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। तो दोस्तों, आरएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पे हमेशा मैं कहता हूँ कि कंटेंट इज किंग। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको बिना विकल्प के उत्तर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, और मुख्य परीक्षा के लिए भी घर से मेटेरियल तैयार होना चाहिए। आप परीक्षा में जाते हो, वहाँ सोचते हो अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है, तो वहाँ याद करोगे तो वो क्रमबद्धता प्रभा नहीं रहेगी और अच्छी सामग्री नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से सपोज को राजस्थान में लोक देवता लोक देवियों का महत्व है ना, और सवाल पूछ ले, आप तैयार करके जाओ तो लोक देवता वो पूछ लेंगे, लोक देवता या लोक देवियों का महत्व क्या रहा। तो कम से कम 8-10 पॉइंट ऐसे घर से होने ही चाहिए, जैसे मान लो कोई भी लोक देवता या लोक देवी हो तो मोटा मोटी उनका योगदान है, उन्होंने अराजकता का उन्मूलन किया, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया, सामाजिक समरसता पर जोर दिया, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं पिछड़ापन है उस पर उन्होंने चोट की है ना, पर्यावरण पर जोर दिया, वन संरक्षण की उन्होंने बात। तो हर टॉपिक पे ऐसे मेटेरियल तैयार होना चाहिए, बनस्पत की आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओ और वहां पर आपसे सवाल पूछे कि हाँ साहब राजस्थान के अंदर पंचायती राज को मजबूत कैसे किया जा सकता, वहां पे आप सोचते हो नहीं, घर से तैयार होने चाहिए और पॉइंट डबल तैयार होने चाहिए मोटा मोटी, क्योंकि आप मान के चलिए 20-30% आप लिख नहीं पाओगे, या तो भूल जाओगे या परीक्षा में समय प्रबंधन के कारण दबाव के कारण आपको बहुत दिक्कतें आएगी। इसलिए करो क्या, आरएस प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक हो या मुख्य परीक्षा का हो, बिना किसी तैयारी के है ना, साथ में कोई किताब नहीं होनी चाहिए, आपसे पूछे हाँ साहब भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना का जो महत्व है प्रशासकों के लिए क्या है, तो घर से गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस मुख्य परीक्षा का देखो फिक्स है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस चाहे हिस्ट्री का ले लो है ना, चाहे ज्योग्राफी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, किसी भी टॉपिक पे ले लो, आपको पता है कि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे है ना। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्व है, तो आपको आना चाहिए पहले से, घर से 90% मेटेरियल आप घर से तैयार करके जा सकते हो। और मुख्य परीक्षा में जो सवाल होते हैं वो दो ही टॉपिक के इर्द गिर्द रहते हैं, या तो किसी विषय का महत्व होता है या मतलब अभी तक क्या किया गया, कृषि को लेकर के क्या किया गया, उद्योग को लेकर के क्या किया गया, कला संस्कृति को लेकर के क्या किया, खेल को लेकर के सरकार ने क्या किया, योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया। तो जितने भी टॉपिक है उनको सबको पूरा का पूरा आप हृदयंगम कर लो, किसी पे डिपेंड मत रहो बिल्कुल, ठीक है। और मैं कहता हूँ जो बेस्ट मेटेरियल आपके पास में स्त्री जो किताब है उनसे तैयार कर लीजिए, और छोटे छोटे शब्दों के अंतर्गत बहुत शॉर्ट के अंदर डायरी तैयार करो, क्योंकि परीक्षा के टाइम में आप ये सोच रहे हो आरएस मुख्य परीक्षा का कल पेपर है, 2 दिन पहले आप वापस राजस्थान की अर्थव्यवस्था नाथुराम का या जय सिंह नीरज सांस्कृतिक परंपरा पढ़ ले तो संभव नहीं, तो उस समय तो आपने शॉर्ट के अंदर जो नोट्स बना रखे हैं ना उन्हीं का रिवीजन करोगे, और उस रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो परीक्षा के समय के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाओगे और मुख्य परीक्षा आपका मामला गड़बड़ कर देगी। इसलिए अभी से सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और मेटेरियल को कल पे मत छोड़िए, हाथों हाथ आज याद कर लीजिए और लिख लिख के अभ्यास कीजिए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।